हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। एमएससी फाइनल का अपना पेपर चल रहा है माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी पैरामेट्रिक एम्पलीफायर वाली यूनिट चल रही है। उसमें हम उसको लगभग कंप्लीट करने में हैं, बस लास्ट के दो टॉपिक बचे हैं जिसमें हम नॉइज प्रॉपर्टी ऑफ पैरामेट्रिक एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे नॉइज प्रॉपर्टी ऑफ पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉइज प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। दोनों की नॉइज प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में नॉइज प्रॉपर्टी क्या होती है, कहां हम इनका यूज में लेते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। नॉइज प्रॉपर्टी का मतलब मैं आपको बता दूं, आपने देखा था आपके पास जो इक्विवेलेंट सर्किट बने थे अप कन्वर्टर और डाउन कन्वर्टर, तो उसमें दोनों तरफ रेजिस्टेंस आ रहे थे। कहीं पे जनरेटर रेजिस्टेंस आरजी, लोड रेजिस्टेंस आरएल, सो आरएस रेजिस्टेंस। इन रेजिस्टेंस के में क्या होती है, इन रेजिस्टेंस के अंदर आपके पास थर्मल लॉस होता है। थर्मल लॉस मतलब टेम्परेचर, जैसे इनमें से करंट फ्लो होगा तो ये गर्म होंगे, गर्म होने की वजह से क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी, पावर लॉस होगी, उसी को ये नॉइज बोल रहा है। ठीक है, नॉइज किसको बोल रहा है, जो पावर किसके कारण होती है, थर्मल के जो प्रॉपर्टी के कारण, रेजिस्टेंस की थर्मल प्रॉपर्टी के कारण जो पावर प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलेगा, ये नॉइज बोलेगा। ठीक है, तो नॉइज प्रॉपर्टी की बात समझने की कोशिश करें। रेजिस्टेंस के अंदर जो आपके थर्मल प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से जो वोल्टेज है या जो पावर है उसको क्या बोलेगा, ये नॉइज बोलेगा। यहाँ पे इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई। क्वेश्चन देखें, इसमें क्वेश्चन एक तो सीधा पूछ सकता है कि गिव डिटेल नोट्स ऑन नॉइज प्रॉपर्टी ऑफ पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर। एक क्वेश्चन आपको क्या दे सकता है, आपको ये पूछ सकता है कि गिव द एक्सप्रेशन ऑफ नॉइज फिगर ऑफ पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर यूजिंग ऑल दैट टेम्परेचर आर इक्वल। टेम्परेचर इक्वल मानते हुए आपको क्या करना है, उसको नॉइज प्रॉपर्टी का जो नॉइज फिगर का जो एक्सप्रेशन है वो निकाल के बताना है। इसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें वहां पे जाके डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद आप टॉपिक पे आए। तो नॉइज प्रॉपर्टी ऑफ पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर को देखने से पहले आप अप कन्वर्टर का डायग्राम बनाएं। तो देखिए डायग्राम अपने कई बार बना चुके हैं, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये सोर्स है, ये आपके पास रेजिस्टेंस, यहां पे जनरेटर रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां पे आपके पास कोइल है एल वन प्लस एल एस, यहां पे आपके पास कैपेसिटर है सी वन प्लस सी पी, और इनको कपल करता है सी टी, यहां से इसको आपने, ये आपके पास सी टू प्लस सी पी, ये दूसरी कोइल एल टू प्लस एल एस, यहां आपके पास रेजिस्टेंस आर एस, यहां पे आप आउटपुट लेते हैं रेजिस्टेंस आर एल पे, इसको नाम भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आपको जो आउटपुट मिलता है वो है ओके। इसको वी वन बोल सकते हैं। यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी बात करें, इसमें कौन सा करंट फ्लो था, देखिए हम वहां पे ले रहे थे आई एस और आई नोट, यहां पे वहां पे था आई एस। अप कन्वर्टर को ध्यान में रखना क्योंकि आई एस और आई नोट की वैल्यू हम अप कन्वर्टर वाले टॉपिक से उठा के लिखेंगे, और ये क्या था आई नोट आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू थी आपके पास, ये ध्यान रखना। अब यहां पे आई एस को मैं आई वन मान रहा हूं, इसको मैं मान रहा हूं आई टू ओके। चलिए पहले इस डायग्राम से समझ ले नॉइज क्या निकालना है आपको। ये जो सोर्स है ये इसका आर जी रेजिस्टेंस है, ये आर एस है, ये भी आर एस है, ठीक है, ये आपके पास मैंने मान लिया इसका टेम्परेचर, ये टी टेम्परेचर पे, इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से टी टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे होने की वजह से इसमें पावर होगी, पावर लॉस होगा, उसको हम बोलेंगे वहां पे जो वोल्टेज आएगी उसको बोलेंगे हम इसका नॉइज, और वो क्या ईवन से डिनोट किया जाएगा, किससे डिनोट किया जाएगा, ईवन से। लिखा कैसे जाएगा, फोर के, ये के कॉन्स्टेंट है, टी इसका टेम्परेचर, और यहां पे जो है वो आर जी, जो रेजिस्टेंस है वो आर जी, और डेल्टा एफ है इसका नॉइज फिगर, ठीक है, डेल्टा एफ, इसके लिए क्या होगा ईवन। यहां पे बात करें आर एस आपने लगा रखा है, इसके लिए क्या होगा ई टू, इधर भी लगा सकते हैं आप आर एस, में इसको ये लीजिए यहां पर लगा देता हूं आर एस को, यहां पे इसके लिए क्या होगा E2, और उसकी वैल्यू E1 स्क्वायर है, ठीक है ना, ये है E2 स्क्वायर, इसके लिए क्या होगा 4K, यहां पे देखो RS है टेम्परेचर, आप यहां पे TS लेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा RS डेल्टा F, 4K यहां पे कांस्टेंट है, TS इसका टेम्परेचर है, इसका है T, ओके, और RS डेल्टा F, क्वेश्चन में अगर आपको इक्वल टेम्परेचर दे दे तो आपको इक्वल टेम्परेचर पे भी लेना है। सिमिलर वे में इसका क्या हो जाएगा E3 स्क्वायर,
तो इसका क्या होगा E3 स्क्वायर, जो कि वोल्टेज यहां पे जो वोल्टेज है ना V1 स्क्वायर उसके बराबर होगा। E3 स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से मैं लिख रहा हूं इसका जो नॉइज है वो E3 स्क्वायर है, उसको क्या लिखोगे आप 4K टेम्परेचर, इसका आपने टी नोट मान लिया ठीक है, और RS रेजिस्टेंस से ही है तो RS और क्या हो जाएगा डेल्टा F। ओके आपने ये लिख दिए सारी वैल्यू, तो ये तो इनको जो नॉइज है उसको ध्यान में रखने का तरीका है। ये आप ध्यान रखें 4K तो कॉन्स्टेंट आएगा, टी टेम्परेचर, आरजी आरएस ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, डेल्टा एफ फिगर है इनका ठीक है, तो वो आप लिखेंगे। तो ये तो हो गया याद रखने का टेक्निक। ओके ये ध्यान रखें यहां पे आईएस को हमने I1 माना है, आई आउटपुट को I2 माना है, जो I1 I2 की वैल्यू होंगी यहां पे हम सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो कहां से उठाएंगे अप कन्वर्टर का जो टॉपिक पढ़ा था हमने उसमें से IS और I2 I0 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। ओके तो ये तो हो गई डायग्राम की बात, हम बात करें नॉइज होता क्या है। साफ साफ आपको दिख रहा है नॉइज जो है वो पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में किसकी वजह से होता है, थर्मल नॉइज होता है एक प्रकार से, क्या बोल सकते हैं आप उसको, रेजिस्टेंस के अंदर थर्मल नॉइज होता है। तो मैं लिख देता हूं द नॉइज प्रोड्यूस्ड इन एम्पलीफायर, नॉइज प्रोड्यूस्ड इन एम्पलीफायर, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर इज द थर्मल नॉइज इन द रेजिस्टेंसेज ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। ये अपना इक्विवेलेंट सर्किट है, वैसे ही इसका सर्किट बहुत लंबा चौड़ा था, उसको हमने इक्विवेलेंट इजी करके ऐसे बनाया था, आपको याद हो तो 3 लूप बन रहे थे, फिर हमने उनको इजी करके इस तरीके से बनाया था। अब देखिए मैं मान रहा हूं नॉइज भी, आप हमने क्या माने नॉइज वोल्टेज E1 E2 और E3, तो मैं लिख देता हूं जो नॉइज वोल्टेज है उनकी बात करते हैं, नॉइज वोल्टेज द नॉइज कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्पलीफायर by the amplifier circuit is represented by E1, E2 and E3, okay? और ये क्या होगा देखिए यहां से एक चीज और आएगी, ये जो आउटपुट वाला जो वोल्टेज है E3 स्क्वायर वो किसके बराबर होगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर के, इक्वेशन नंबर 1 ठीक है। ये E3 स्क्वायर आपके पास V1 की वैल्यू, यहां पे जो आउटपुट है V1 लिख रहा हूं मैं उसको वोल्टेज को, उसके बराबर होगा, एक चीज ये ध्यान में रखें। तो पहले तो डायग्राम बनाना है आपको, उसमें ये समझना है कि नॉइज एक्चुअल में क्या होता है, थर्मल नॉइज होता है, जो रेजिस्टेंस में होता है थर्मल प्रॉपर्टी की वजह से जो लॉस होता है उसको नॉइज बोलते हैं अपन, थर्मल नॉइज होता है ठीक है। और एक कंट्रीब्यूट करता है उनको हमने E1 E2 E3 से डिनोट कर दिया, वैल्यू कैसे इनकी याद रखनी है आपको, किस तरीके से लिखी जाएंगी समझ गए। 4K और डेल्टा एफ तो कांस्टेंट है, ओके डेल्टा एफ फिगर को बताता है, टी टेम्परेचर जिस रेजिस्टेंस की बात करें उसका टेम्परेचर और वो रेजिस्टेंस, ऐसे ही जिस यहां पे देखो टेम्परेचर इस वाले रेजिस्टेंस का और ये रेजिस्टेंस सेम यहां पे किया गया है हमने, तो ये डायग्राम का काम यहां पे सभी को समझ में आ गया, तो मैं डायग्राम को रफ कर देता हूं, इसका इतना ही काम था, समझ में आ गई बात ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो आपने ये समझ लिया कि वास्तव में नॉइज होता क्या है, पहली बात यही थी सबसे इजी। चलिए अब हम इनकी बात करेंगे कि कौन कौन सा होगा, जनरेटर रेजिस्टेंस जो RG है उसकी वजह से मीन स्क्वायर वोल्टेज क्या होगी, तो मैं लिख देता हूं फॉर द जनरेटर रेजिस्टेंस, फॉर द जनरेटर रेजिस्टेंस आरजी द मीन स्क्वायर नॉइज वोल्टेज E1 स्क्वायर ठीक है। मैंने बताया था क्या होगा 4K कांस्टेंट, उसका टेम्परेचर कितना था T, रेजिस्टेंस कितना था RG और डेल्टा F, इक्वेशन नंबर 2 ओके ये हो गई बात। ऐसे ही एक रेजिस्टेंस क्या होगा इनपुट के सर्किट में, एक RS रेजिस्टेंस भी है, मैं अभी आउटपुट पे नहीं पहुंच रहा हूं, उसमें भी नॉइज होगा, तो मैं वो भी लिख देता हूं एंड द अदर नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस RS। इनपुट वाले सर्किट अभी जब बनाया था हमने उसमें RS रेजिस्टेंस भी था कॉर्नर पे ठीक है, उसमें
जो होगा वो क्या होगा, एंड इज गिवन बाय, एंड इज गिवन बाय क्या होगा आपके पास, उसको हमने E2 लिखा था, तो E2 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 4K, उसका टेम्परेचर था TS, रेजिस्टेंस था RS और डेल्टा F, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमें क्या याद करनी है, आउटपुट पावर निकालनी है। ठीक है, गेन निकालने के लिए हम आउटपुट पावर निकालेंगे, तो क्या होगी देखिए, द आउटपुट पावर या एम्पलीफाइड, द एम्पलीफाइड आउटपुट पावर, एम्पलीफाइड आउटपुट पावर इज गिवन बाई, इज गिवन बाई क्या होगी आपके पास, P1 क्या होता है भी, इनपुट करंट दिया था, उसके पास क्या हो जाएगी आपके पास I1 स्क्वायर। ये इनपुट वाले सर्किट की टोटल पावर है, आउटपुट वाले सर्किट पे नहीं पहुंचे हम, इनपुट जो दिए है ना टोटल आपने, उसकी टोटल पावर आपके पास I1 स्क्वायर इंटू आर एल, जो आपने आउटपुट पावर निकाल ली, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसके हम दे देते इक्वेशन नंबर 4, वैसे देने की जरूरत नहीं है। एंड द गेन, हमने आउटपुट पावर को P1 मान लिया, वहां हो सकता है कुछ और माना गया हो, यहां पे हमने P1 मान लिया। एंड द गेन ऑफ अप कन्वर्टर इज गिवन बाई, पीछे निकाली हुई है तो हमें नॉर्मल फॉर्मूला ही लिखना है, सॉल्यूशन नहीं लिखना है। ये था देखो फॉर्मूला उसका, 4RGRL I1 एब्सोल्यूट स्क्वायर ओवर V1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर बोलो 4। ठीक है, इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई, यही था फॉर्मूला ही पूरा, लास्ट में जो सॉल्यूशन निकाला उसकी बात नहीं कर रहे हमें, बस जनरल फॉर्मूला जो है वो है, वहां पे हो सकता है यहां पे R1 R2 भी हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आपके पास पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर की ये है, तो आपको क्या निकालना है, यहां पे देखो आपको चाहिए पी वन, जो चाहिए वो निकालो पहले। पी वन क्या आ जाएगा, इसको निकालो यहां से आई वन स्क्वायर आर एल को, तो यहां से क्या आ जाएगा, इक्वेशन 4 भी देने की जरूरत नहीं है, इसको इसी को दे दो। तो यहां से देखिए आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो निकालें, चलिए क्या आ जाएगा यहां से, आई वन स्क्वायर आर एल इक्वल टू, देखें क्या आ जाएगा आपके पास, जी नोट वी वन स्क्वायर अपॉन में 4RG। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था वी वन स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ई थ्री स्क्वायर के, और वो किसकी उसकी वैल्यू कितनी है, E3 की वैल्यू में रख दो चाहे तो या रहने दो, E3 स्क्वायर किसके बराबर आया था, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर के। अभी देखो ये आपके पास आ तो आउटपुट पावर रही है, लेकिन सर्किट का अभी हमने आधा हिस्सा ही लिया, इधर वाला आगे वाला नहीं लिया है, आगे वाला लेता तो मैं V1 स्क्वायर की जगह सीधा E3 लिखता, लेकिन अभी मैं E3 को लिख रहा हूं E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर के टर्म में, क्योंकि अभी हम इनपुट वाला हिस्सा लिया, डायग्राम बनाया था उसमें दो लूप थे। ठीक है, हमने अभी पहला लूप लिया जो कि इनपुट वाला है, और उसमें कौन कौन से नॉइज है, E1 और E2 चाहिए अपने को, क्या V1 जो किसके बराबर होता है, E3 की स्क्वायर के बराबर, लेकिन E3 के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, E3 के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, इनपुट वाले पे डाल रहे हैं, इसलिए E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि ये इनपुट में यूज में लेंगे हम, जो आपको आउटपुट पावर मिल रही है वो, ठीक है ना, ये आउटपुट पावर है लेकिन हम इनपुट वाले ही सर्किट में यूज में ले रहे हैं, इतनी बात समझ लेना सभी। तो देखिए क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर आर एल इक्वल टू जी नोट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अपॉन में 4RG। ओके, ये देखो किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 4 में देखो ये किसके बराबर है, P1 के, तो P1 क्या आ गया, जी नोट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर ओवर 4RG, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए 2 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 and 5 वी गेट 2, 3 और 5 से E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो P1 क्या आएगा आपके पास, जी नोट क्या थी इसकी वैल्यू E1 स्क्वायर की, 4K डेल्टा F, तो दोनों में ही है तो उसको तो बाहर लिख दो, 4K डेल्टा F। यहां पे क्या था, पहले में आपके पास था RGT, ठीक है, दूसरे में क्या था RSTS, ओके, ये टेम्परेचर और ये थे, बाकी ये सभी में सेम था, अपॉन में 4RG, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है यहां तक,
तो हमने क्या किया है, ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर की वैल्यू, यहां पे हम सीधा क्या ई थ्री स्क्वायर भी लिख सकते थे, नहीं, क्योंकि हम सर्किट इनपुट वाला ले रहे हैं, ई थ्री आउटपुट वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे होता बराबर है लेकिन अभी हम इनपुट वाले के टर्म में निकालना चाह रहे हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से ये जो पी वन है वो कितना आ गया आपके पास, जी नोट के डेल्टा एफ, जी नोट के डेल्टा एफ ओवर आर जी, यहां पे बचा आपके पास आर जी टी प्लस आर एस टी एस, इक्वेशन नंबर ये हमने दे दिया 6। ओके कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ई थ्री स्क्वायर का जिक्र करेंगे, जो आपके पास आउटपुट सर्किट में आउटपुट वाला जो लूप है उसके अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी इनपुट वाले की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एस, आउटपुट वाले की तरफ फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नोट, ठीक है, और उसके इस फ्रीक्वेंसी पे जो रेजिस्टेंस वहां पे है आर एस उसमें भी कुछ ना कुछ नॉइज होगा, और उसकी वैल्यू हमने क्या डिसेस की थी, ई थ्री स्क्वायर, जो कि मैंने डायग्राम में आपको निकाल के भी बताया था। अब हम उसका जिक्र करते हैं, अभी हमारा पावर निकल गया कहां तक का, इनपुट वाले तक का पी वन निकल गया, अभी हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं पी टू निकालने के लिए, दूसरी तरफ के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द नॉइज इज ऑल्सो जनरेटेड एट आउटपुट सर्किट एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट, ठीक है, इफ द डायोड टेम्परेचर, हमने वहां पे टेम्परेचर कितना मान लिया, डायोड का टेम्परेचर उस तरफ हमने मान लिया टी नोट एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट, दूसरी तरफ जो डायोड है उसका टेम्परेचर हमने ओमेगा नोट मान लिया, इस तरफ जो थे उसमें एक का टी था और एक का टी एस था, ओके यहां पे है, देन इक्वलेंट नॉइज वोल्टेज क्या हो जाएगी आपके पास, ई थ्री स्क्वायर, निकालने का तरीका 4k एज इट इज, टेम्परेचर कितना है देखो टी नोट, रेजिस्टेंस कितना है आर एस और डेल्टा एफ, होगा या नहीं होगा, इक्वेशन नंबर बोल दो इसको, कितना आ गया 7, ये लीजिए, इतनी बात सभी को क्लियर होगी, ये आते ही आप क्या निकाल देंगे पावर, तो क्या हो जाएगा, देन द नॉइज आउटपुट नॉइज पावर, आउटपुट वाले की तरफ बात कर रहे हैं ना, आउटपुट नॉइज पावर, इनपुट नॉइज पावर क्या थी, पी वन इक्वल टू आई वन स्क्वायर आर एल, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, पी टू इक्वल टू आई टू स्क्वायर आर एल, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। तो हमारा जो पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर का टॉपिक था उसमें हमने ये दोनों चीजें निकाली थी पीछे, आई एस और आई आउटपुट, यहां पे आई एस मैंने आई वन को माना है, आई आउटपुट आई टू को माना है, तो आई वन तो हमारे यूज में आ चुका, तो मैं आई टू की वैल्यू वहां से रख रहा हूं, ये ध्यान रखें वहां पे भी थोड़ी कैलकुलेशन करके यहां पे जो वैल्यू लिख रहा हूं वो निकालनी पड़ेगी, जी नोट के टर्म में लिखनी है अपने को, क्योंकि यहां पे हमें जी नोट के टर्म में ही चाहिए, यहां पे भी देखो हमने पी वन जी नोट के टर्म में निकाला है, तो देखिए पावर गेन के टर्म में मैं आई टू की वैल्यू रखूं वो क्या आएगी आपके पास, हियर आई टू इक्वल टू आई टू आई आउटपुट के बराबर है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, आई टू स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूं क्योंकि मेरे को यही चाहिएगा, तो आई टू स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, जो जी नोट के टर्म में निकालना है आपको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ओमेगा एस स्क्वायर, ये वैल्यू होगी 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, सी नोट स्क्वायर, जी नोट और वी वन स्क्वायर होता है, वी वन स्क्वायर की जगह यहां पर है आपके पास ई थ्री स्क्वायर, ओके कोई दिक्कत नहीं है, और रेजिस्टेंस है इसका R1 प्लस RS, ठीक है, R1 प्लस RS का होल स्क्वायर, यहां पे G है, 1 की जगह क्या है RS प्लस RG का होल स्क्वायर, अपॉन में जो वैल्यू आती है वो क्या होती है 4M स्क्वायर RG और लोड रेजिस्टेंस RL, ये वैल्यू आएगी आप चेक कर लेंगे तो भी वहां से, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई, आप याद रख सकते हैं वहां से निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, निकालना, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ओके, इसके बाद हम क्या करें, यहां पे आई टू स्क्वायर आर एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आई टू स्क्वायर आर एल, देखिए आपके पास आई टू स्क्वायर आर एल निकालें, तो यहां पे देखें आई टू स्क्वायर आर एल इक्वल टू ओमेगा एस स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर सी नोट स्क्वायर जी नोट ई थ्री, इसको मैं पहले लिख देता हूं, आर जी प्लस आर एस का होल स्क्वायर जी नोट ई थ्री स्क्वायर अपॉन में
फोर एम स्क्वायर आर आर जी, आर एल को इधर भेज दिया, ये किसकी वैल्यू है, पी टू की। तो पी टू क्या आ जाएगा, देन पी टू आपके पास आ जाएगा ओमेगा एस स्क्वायर वन माइनस एम स्क्वायर। जी नोट को पहले लिख दो, देखो वहां पे भी जी नोट पहले आ रहा है, चलो एक बार तो लिख देते हैं, सी नोट स्क्वायर आर एस प्लस आर जी का होल स्क्वायर जी नोट। ई थ्री की वैल्यू क्या थी, फोर के, टेम्परेचर कितना था टी नोट, देखो ये रही आर एस डेल्टा एफ वैल्यू रख दी, अपोन में जो है वो एज इट इज रख दो, फोर एम स्क्वायर आर जी, जो कट रहा है उसको काट दो, फोर कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास पी टू आ गया यहां से, तो पी टू की वैल्यू यहां पे हम रख देते हैं, क्या आया पी टू आपके पास, पी टू आपके पास ये आया, पी टू इक्वल टू आया यहां से देखिए, जी नोट के टी नोट डेल्टा एफ। ओके ये पहले लिख दिया मैंने, जी नोट के डेल्टा एफ और टी नोट, यहां पे क्या बचा आर एस, यहां पे बचा आपके पास ओमेगा एस स्क्वायर वन माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर सी नोट स्क्वायर आर एस प्लस आर जी का होल स्क्वायर। ओके अपॉन में क्या बचा एम स्क्वायर आर जी, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर इसको नेक्स्ट दे दो सेवन, चलिए मैंने इसको सेवन इक्वेशन दे दिया, ये हो गई बात। अब टोटल पावर हो जाए तो दोनों को जोड़ दो, देन टोटल नॉइज पावर, टोटल पावर ही लिख देता हूं, पावर क्या हो जाएगी पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, ये तो हो गई नॉइज पावर, लेकिन अपने को निकालना है नॉइज फिगर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, हेंस द नॉइज फिगर, नॉइज फिगर क्या होगा, टोटल पावर यहां पे एफ से डिनोट करते हैं इसको, टोटल पावर कितनी है पी वन प्लस पी टू, और मैक्स जो आप उसको दे सकते हैं कितनी पावर दे रहे हैं इनपुट पे, जी नोट के टी डेल्टा एफ पावर दे सकते हैं उसको, तो ये आपके पास इनपुट की पावर होती है, हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया। तो चलो वैल्यू रखो यहां पे, तो नॉइज फिगर एफ क्या हो जाएगा, यहां से वैल्यू देखो कुछ कॉमन आ रहा है वो तो पहले लिख दो, जी नोट के डेल्टा एफ कॉमन आ रहा है तो वो तो पहले लिख दो, चलो हमने लिख दिया जी नोट के डेल्टा एफ दोनों में कॉमन है, तो पहले तो पी वन की रखो, और यहां पे भी है देखो जी नोट, नीचे भी पी वन प्लस पी टू करना है और नीचे इसका भाग देना है, तो इसके नीचे भी भाग वाला मैं ऐसे ही लिख देता हूं के टी डेल्टा एफ। यहां पे क्या बचा ऊपर, यहां पे इस भाई साहब के पास बचा आर जी टी प्लस आर एस टी एस ओवर आर जी। ओके चलिए आगे क्या बचा, इनके पास बचा जी नोट के डेल्टा एफ पहले लिख दिया, और यहां पे बचा टी नोट ओमेगा एस स्क्वायर वन माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर सी नोट स्क्वायर आर एस प्लस आर जी का होल स्क्वायर। ओके अपॉन में क्या बचा एम स्क्वायर आर जी। ओके ये हमने लिख दिया यहां पे, जो भी वैल्यू थी वो रख दी। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा एस और ओमेगा नोट दोनों फ्रीक्वेंसी पे जो आपके पास नॉइज टेम्परेचर है उनको हम इक्वल मान लेंगे डायोड टेम्परेचर के बराबर, तो वही लिख रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी कई बार ये दे देता है कि जब सभी टेम्परेचर इक्वल हो तब निकाल के बताओ, तो यहां पे जो दोनों डायोड टेम्परेचर है वो हम क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे। इफ वी टेक डायोड टेम्परेचर आर इक्वल टू टी डी, हमने कोई एक नया टेम्परेचर दे दिया टी डी एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट एंड ओमेगा एस और ओमेगा नोट फ्रीक्वेंसी पे जो आपके था उसको हमने टी डी लिख दिया, तो कहने का मतलब टी एस को भी टी डी लिखना है और किसको, यहां पे जो दूसरा टेम्परेचर है टी आउटपुट को भी टी डी लिखना है, तो यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, ये तो कट गया भाई साहब, तो जी नोट कट गया, के कट गया, डेल्टा एच कट गया, ठीक है क्या बचा वन ओवर टी बचा, तो यहां से देखो पहले तो क्या आ जाएगा एफ इक्वल टू यहां पे बचा आर जी का भाग दे दो इसमें, तो ऊपर तो क्या बचा यहां पे आर जी का भाग दिया तो ये बचा टी, और तो टी से तो टी कैंसिल हो गया, प्लस यहां पे क्या आया आर एस टी एस, टी एस को क्या बोला इसने टी डी, तो टी डी ओवर टी, ये देखो एक अपॉन में टी यहां पे है तो उसको मैं नीचे भेज रहा हूं, और आर एस के अपॉन में क्या है आर जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आर जी का हमने भाग दे दिया अंदर, ये हो गया आपके पास। चलिए प्लस आगे क्या है, इसको पूरे को मैं कॉमन भी ले लू साथ साथ बार, पूरे को कॉमन ले लिया तो यहां पे तो बचा वन,
इसको पूरे को कॉमन ले लिया। यहां पे देखो क्या बचा, पहली बात तो टी नोट की जगह टीडी लिखना है जो कि आपके पास आ गया, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, चलो बाद में लेंगे कॉमन, पहले लिख देता हूं मैं इसको, ये हो गया प्लस। अब देखो वन अपॉन टी तो है, तो टी तो वन अपॉन टी तो एज इट इज आ जाएगा, और क्या बच रहा है आपके पास ओमेगा एस स्क्वायर, वन माइनस एम स्क्वायर का स्क्वायर, सी नोट स्क्वायर, आर एस प्लस आर जी का होल स्क्वायर, ओके। अपॉन में क्या बच रहा है एम स्क्वायर आर जी, एम स्क्वायर आर जी, और टेम्परेचर जो है टी नोट उसकी जगह लिखना है टी डी, और नीचे ये अपॉन वाला टी उधर भेज दो, ये आपके पास वैल्यू हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो कॉमन ले लो यहां से जो भी कॉमन लिया जा सकता है। पहले एक चीज और कर लो साथ साथ, क्वालिटी फैक्टर को भी डिफाइन कर दो, क्योंकि हम देखते हैं जब हमने पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर डिस्कस किया था तो वहां पे क्यू को डिस्कस किया था, सिंस क्या था क्यू, वहां पे क्यू इक्वल टू था वन प्लस वन ओवर सी नोट आर एस, क्या था आर एस प्लस आर जी, ये नहीं था, वन ओवर सी नोट ओमेगा एस वन माइनस एम स्क्वायर और था आर एस, ये वैल्यू थी ठीक है। ये आप यहां पे वैल्यू पुट करें साथ साथ और इसको सोल्व कर दें, ये दोनों तो अपने को चाहिएंगे, अब तो नहीं चाहिए, हो गया इनका तो काम, चलो तो फिर आगे बढ़ो। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू आ गया आपके पास वन प्लस वन, तो बाहर निकालो वन को अलग ही कर लिया हमने, आर एस ओवर आर जी टी डी ओवर टी, ठीक है ये हमने बाहर कर लिया। अब अगर ये पूरे का पूरा मैं इसमें से कॉमन हूं, कॉमन बाद में लेंगे, पहले हम लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं देखिए, इसका मैं स्क्वायर करूं एक बार के लिए आपको समझाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा वन ओवर सी नोट स्क्वायर ओमेगा एस स्क्वायर वन माइनस एम स्क्वायर आर एस स्क्वायर। यहां पे ऊपर देखो इसका उल्टा है, ओमेगा एस स्क्वायर है वन माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर है, सी नोट स्क्वायर है, और आर एस भी था ना यहां पे, वो नहीं लिखा हमने पीछे, आर एस भी था यहां पे, टी डी यहां पे था, आर एस एक वो भी था, वो भी है आपके पास ठीक है। तो आर एस भी है यहां पे, तो यहां पे आर एस तो है लेकिन यहां पे चाहिए आर एस स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिखने के लिए, तो आर एस को ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो मैं यहां पे भी आर एस लिख दिया, ऊपर गुणा किया तो आर एस स्क्वायर हो गया। अब ये वैल्यू ये इसको छोड़ के और टी डी ओवर टी को छोड़ के किसके बराबर आ गया, वन ओवर क्यू स्क्वायर के ठीक है। नीचे एम है पहले से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वन ओवर एम क्यू का होल स्क्वायर हो गया। आर एस का भाग देना है नीचे क्योंकि ऊपर था, आर एस नीचे आ गया, और क्या है नीचे कुछ और है टी है, चलो टी है नीचे वो भी लिख दिया, और ऊपर क्या है टी डी, ऊपर सिर्फ क्या बचा है टी डी बचा है, और बचा है आर एस प्लस आर जी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बची है आपके पास। अब देखो यहां से अब कॉमन ले लो, एफ इक्वल टू वन प्लस वन तो बाहर ले लो, आर एस ओवर आर जी ये टी डी और टी, इसमें से ये कॉमन ले लो, तो ये वन प्लस यहां पे क्या बचा टी डी और टी कॉमन आ गया बाहर, चलिए कहो आ गया, और क्या आ गया आर एस कॉमन आया ऊपर नहीं है लेकिन, और नीचे है तो नीचे क्या हो जाएगा आर एस स्क्वायर, चलिए और कुछ आर जी कॉमन लिया इसने नहीं है आर जी, तो ऊपर आर जी आ गया आर एस प्लस आर जी का होल स्क्वायर, ठीक है आर जी था क्या चेक कर ले एक बार, आर जी नीचे था, नीचे था ना ये रहा आर जी, ये छोड़ दिया अपने, तो ये यहां पे आर जी भी आएगा, तो ये लीजिए आर जी, तो फिर आर जी ऊपर आएगा नहीं, तो आपके पास ये क्या आ गया आर एस स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या था क्यू स्क्वायर के टर्म में हमने लिख दिया, तो एम क्यू स्क्वायर तो हमने लिखा ही नहीं, ये लीजिए एम क्यू स्क्वायर आर एस स्क्वायर आर एस प्लस आर जी का होल स्क्वायर। इतनी बात सभी को क्लियर होगी, जो था हमने उसको इजी से इजी कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर दिया, क्यू भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसको इजी करने के लिए काम में आता है, जो जो चीजें थी क्वेश्चन में, टेम्परेचर इसलिए सेम कर रहे हैं क्योंकि कई बार प्रूफ में क्वेश्चन में ही दे देता है कि आपको डायोड टेम्परेचर ओमेगा एस और ओमेगा नोट फ्रीक्वेंसी पे सेम लेने हैं और आपको ये कैलकुलेट करके बताना है। ओके अब बात करें हम फॉर मैक्सिमम गेन, इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे दो, कितने हो गए 7, 8, 9 जो भी है, तो मैक्सिमम गेन की बात करें, फॉर मैक्सिमम गेन आपको याद होना चाहिए, मैक्सिमम गेन के लिए आर जी और आर एल दोनों को बराबर मानते हैं, जो कि आर एस किसके बराबर था वन प्लस ओमेगा एस ओवर ओमेगा नोट एम क्यू
का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 इसके बराबर था, याद हो तो आपको पीछे निकाला है हमने पीछे पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर में। तो ये वैल्यू हम यहां पे रखें, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आर एस टी डी एज इट इज, चलिए अपॉन में आरजी, आरजी की वैल्यू रखो टी तो एज इट इज, आरजी की वैल्यू रखो आर एस, इसकी पावर 1/2 को मैं ऊपर ले जाऊं माइनस 1/2 कर दू क्या, 1 ओमेगा एस ओमेगा नोट एम क्यू स्क्वायर इसकी पावर -1/2, अंदर क्या बचा 1 आर एस प्लस आर जी, आर एस को एज इट इज रखो, आर जी की वैल्यू रख दो क्या हो जाएगी 1 ओमेगा एस ओमेगा नोट एम क्यू का स्क्वायर और उसकी पावर -1/2, ठीक है रख दी हमने, और इनटू आर एस है ना, हाँ आर एस बार एस के तो आर एस ये लिख दिया, अपॉन में जो भी वैल्यू थी वो क्या थी आर एस स्क्वायर एम क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू हमने रख दी। ओके अब देखो ये वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी और भी छोटी होती जाएगी, तो हम इसको क्या कर देंगे पूरे को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पे जो नॉइज फिगर है, नॉइज फिगर मैं ऊपर लिख देता हूं, वो अप्रोक्सीमेट देखो कितना आ रहा है आपके पास, यहां पे जो नॉइज फिगर आया है एफ, एफ है वो लगभग बराबर आएगा जब हम इस आगे वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये 1 से ही मल्टीप्लाई होगा बस, तो क्या हो जाएगा 1 आर एस टी डी, आर एस आर एस कट गया तो क्या बचा टी डी ओवर टी, 1 ओमेगा एस ओवर ओमेगा नोट एम क्यू का स्क्वायर और पूरे की पावर -1/2। तो मैक्सिमम पावर गेन के लिए आपके पास नॉइज फिगर ही आता है इक्वेशन नंबर 10। तो इस तरीके से आप नॉइज फिगर, अब क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ भी पूछ सकता है सीधा, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने मैक्सिमम गेन निकालना है और टीडी और टी नोट को इक्वल, टी नोट और टीएस को टीडी के इक्वल मानना है, ठीक है ये चीजें ध्यान रहेंगी आपको। कुछ एक चीजें इसमें याद रखनी है, आई टू की वैल्यू आप याद ही रख लो, निकाल सकते हो पीछे लेकिन एग्जाम पर्पज में आपको याद रखना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है उसके बाद सारी की सारी कैलकुलेशन ये ध्यान रखना है, पूरे के पूरे डेरिवेशन को इजी से इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते जाओ, जो जो आपके पास वैल्यूज हैं वो रखते जाओ उसमें और सोल्व करते जाओ। तो इस तरीके से आपका ये नॉइज फिगर आ गया किसके लिए, पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉइज प्रॉपर्टी किसकी, पैरामेट्रिक नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर की। ओके स्टूडेंट्स यहां तक आपको चीजें में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, लेक्चर कैसा लगा वो चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहें, क्वेश्चन इसके जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं पहले ही, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें और क्लासेज का लुत्फ उठाएं, साथ ही आपका एग्जाम भी कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, कभी भी उसका अनाउंसमेंट हो सकता है, तो आप तैयार रहें उसके लिए, रेगुलर एक दो वीडियो देखते रहें तो आपकी क्लासेज की तैयारी साथ साथ होती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।